क्लासेस आज हम लोग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। यानी कि शेप देखे, बैक्टीरिया का शेप देखे, तो बैक्टीरिया को फोर टाइप का शेप होता है बैक्टीरिया में मेजर, और उसके बेस पे फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से फर्स्ट बैक्टीरिया है आपको कोकस, यानी कि स्फेरिकल शेप। सेकेंड बैक्टीरिया है आपको बैसिलस, यानी कि रड शेप। थर्ड बैक्टीरिया है आपको, थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है आपको वाइब्रियम, यानी कि कॉमा शेप। एंड फोर्थ वन इज स्पाइरिलम, यानी कि स्पाइरल शेप। ओके, तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट की स्टडी पहले करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है कोकस बैक्टीरिया। तो कोकस बैक्टीरिया कैसा होगा? कोकस बैक्टीरिया एक्चुअल में स्फेरिकल शेप होगा। स्फेयर कैसा होता है? दिस इज योर स्फेयर, बॉल के जैसा। तो इट इज स्फेरिकल शेप, और इसका प्लूरल नेम क्या होता है? कोकस से कोकी हो जाएगा, प्लूरल में इसको कोकी कहेंगे, स्फेरिकल शेप होगा। एनसीईआरटी में वो फोटो दिया हुआ है, बहुत सारा स्फेरिकल इधर उधर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये अलग अलग नहीं रहता है उस तरह से कम 10-15 के तो जोड़े रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा होने पे बीच से कट जाता है। ओके, और जब किसी ऑर्गेनिज्म किसी बैक्टीरिया का नाम देखेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल देंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि निमोनिया करता है, लंग्स का बहुत डेंजर डिजीज है ये। तो स्ट्रेप्टोकोकस के लास्ट में क्या है? कोकस। कोकस क्या शो करता है? ये स्फेरिकल है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट है आपका सेकेंड में बैसिलस। बैसिलस मीन्स रड शेप। जैसे ये पेन, पेन का शेप कैसा है? रड जैसा है ना, तो दिस इज योर बेसिलस शेप। तो जब भी किसी बैक्टीरिया का शेप रड शेप होगा तो उसको कहेंगे बेसिलस। ओके, तो इट हैज रड शेप। नेक्स्ट, अगर इसको प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में इसको कहते हैं बेसली। बहुत सारा बैक्टीरिया अगर एक साथ होगा तो बेसली। अब कर्ड में, कर्ड जिस बैक्टीरिया के कारण बनता है उसका नाम क्या हो जाएगा? लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस, तो लास्ट में जो जो बेसिलस है, व्हाई दिस इज बेसिलस? बेसिली बेसिलस शोज दैट द बैक्टीरिया इज रड शेप। अच्छा, रड शेप बैक्टीरिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें देखिए, ये रड शेप हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहां पे स्पोर बन जाता है। स्पोर बनने के कारण ये स्वेल कर जाता है। अब ऐसा ना हो कि ये क्या हो जाएगा, स्पून शेप हो जाएगा। क्यों? यहां पे स्पोर बन गया इसमें, तो स्पोर फॉर्मेशन के कारण एक जगह वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, लेकिन इसको भी रड शेप ही कहेंगे। कई सारे देख रहे हैं ना वहां स्वेलिंग, इसके पीछे स्पोर है एनसीईआरटी के इमेज में। ओके, नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा है वाइब्रियम। वाइब्रियम का मतलब होता है कॉमा शेप। ऐसे कॉमा की तरह, बुक में तो कॉमा की तरह दे दिया है, पर कॉमा की तरह उस तरह से कॉमन होता नहीं है। जब आप कॉमा से बैक्टीरिया को देखेंगे तो उसको आप ऐसा शो कर सकते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है ऐसे, ये ऐसे, और इसमें पतला सा निकल गया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का बॉडी है, और ये इसमें से पतला सा निकला हुआ है, तो ये कॉमा शेप लग रहा है, ऐसा रहेगा एकदम से, वैसा जो दे रहा है वैसा नहीं होता है जनरली जब देखिएगा, तो ये परफेक्ट शेप मिलेगा वाइब्रियम बैक्टीरिया को जब आप देखने जाएंगे। तो क्या हो गया, वाइब्रियम बैक्टीरिया को प्लूरल में क्या कहेंगे? वाइब्रो। और ये क्या होता है? तो इट इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, नाउ फोर्थ, फोर्थ इज स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जिसको प्लूरल में क्या कहेंगे? स्पाइरिला। और ये कैसा रहेगा? तो स्पाइरल शेप रहेगा। स्पाइरल शेप मींस ऐसे शेप हो गया, एकदम से स्प्रिंग जैसा नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे, ये हल्का स्लाइटली स्पाइरल, इसमें फ्लैजेला वगैरह ऐसे आ जाते हैं, तो वही फ्लैजेला दिया हुआ। ओके, तो ये फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओके,
अब हैबिटेट और अदर नेचर, सेलवाल कैसा है, हैबिटेट कहाँ है उसका, और न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसके बेस पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया का डिवीजन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।